नमस्कार दोस्तों एमडी क्लासेस पर आपका तावर तोड़ स्वागत है तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार आदाब बंदे मातरम भारत माता की जय गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाइयों तो जल्दी आ जाओ भाई साहब तावर तोड़ जैसा कि आपको चैप्टर का नाम भी दिखाई दे रहा होगा मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा भैया तो सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों को जल्दी से मजा आ जाने वाला भाई साहब जो प्रश्न होता है एकदम से लपुझन्ना टाइप का प्रश्नों का डिस्कशन भी जबरदस्त होता है मजा आ जाएगा तो सबको नमस्कार सबको आदाब सबको वंदे मातरम भैया अभिषेक सिंह कह रहे हैं सन न्यूजीलैंड से प्रणाम अरे कोई बात नहीं दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि आप जो है न्यूजीलैंड से बात कर रहे हैं दीपक भैया वालेकुम सलाम जय हिंद जय हिंद जय हिंद सबको अरे भैया दयानंद गुड इवनिंग गुड इवनिंग दयानंद दयानंद गुड इवनिंग तो अरे जेडी कोरी खुश रहो भैया बहुत-बहुत खुश रहो चलो भैया सबको नमस्कार सबको नमस्कार सबको नमस्कार सबको नमस्कार लोकेश भैया बहुत अच्छा बहुत अच्छा भाई साहब सभी लोग सरिता साक्या मुन्ना दयानंद केशव दीपक हारून सब लोग आ जाओ भाई साहब सब लोग आ जाओ मज़ा आने वाला है जल्दी जल्दी यार आ जाओ जब आना ही है तो इतना लेट कहा है कहते तो लव यू दोस्त लव यू लव यू सबको लव यू सबको नमस्कार ऑस्ट्रेलिया से प्रणाम आ गया है मेरे लिए तो इसका मतलब सारे विदेशी लोग हमारे पास पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है तो सभी बच्चों को नमस्कार आदाब बंदे मातरम भारत माता की जय तो मैं कोलकाता से हूँ अच्छा मुझे लगा कोलकाता जो है वो ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा बगल में है ना चलिए खैर कोई बात नहीं तो सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार भैया चलो भैया आप पी तो देते हैं भाई साहब अरे वो हम अपने टेक्निकल गुरु से कहना चाहेंगे कि बच्चों की कुछ शिकायतें हैं कि टेक्निकल हाँ ये जो है पीडीएफ नहीं जा रही है तो ज़रा देख लीजिएगा भाई साहब कुछ ले दे के एडजस्ट कर लीजिए है ना पीडीएफ भेज दिया करें बच्चे गुण बच्चे गुस्सा हो जाते चलो भाई साहब अब आपको पीडीएफ देखा जाए तो सबको गुड इवनिंग सबको नमस्कार सबको आदाब सबको बंदे मातरम सबको भारत माता की जय तो भाई साहब कोई सूडान से भी तो नहीं है यहाँ पर अच्छा एक कह रहा है सर पाकिस्तान से सलाम चलिए यार कोई बात नहीं कहीं से पिछड़ी हो सभी प्यारे बच्चे नमस्कार आदाब बंदे मातरम ठीक है कोई ऐसा तो नहीं है कि चिकसलो वाक्या से भी आ गया हो चलिए चलो भैया तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे भैया देख लीजिए क्या लिखा हुआ है बहुत अच्छा जीवो का संसार द लिविंग वर्ड्स बायोलॉजी का और ये सर आपको पढ़ाएंगे भैया मजा आने वाला है तो एक बार सब लोग देख लीजिए आज तीसरा दिन है सभी लोग आ जाइए सभी लोग आ जाओ भाई बहुत जबरदस्त प्रश्न का सिलसिला स्टार्ट होने लो भैया पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर दिखाई दे दिया कितने बच्चे हैं जो आंसर देंगे कितने बच्चे हैं जो आंसर देंगे मजा आ जाएगा भैया बहुत अच्छा बहुत अच्छा भैया बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ से भी सब लोग आए हैं सबको नमस्कार सबको नमस्कार यूएसए से भी हमारे पास आ गए हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा तो बताओ भैया इसका आंसर क्या होगा गजब का क्वेश्चन है गजब का क्वेश्चन है सब लोग इसका आंसर देंगे भैया सभी लोग आंसर तो मजा आ जाएगा भैया तो पहला प्रश्न आपका चलो भैया कह रहा है कि कारलैंड सॉरी कार्लिनियस को किस रूप में जाना जाता है वॉट इज द कार्लिनियस नोन एज बढ़िया क्वेश्चन मजा आ जाता है भैया ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा भैया बहुत जबरदस्त जिंदाबाद नासिक से भी बच्चे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है फादर ऑफ टेक्सा कहा जाता है तो भैया याद रखिएगा बहुत पूछा जाता है तो भैया कार्ल लीनियस के बारे में जरा डिस्कस करते हैं नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे देखो भैया इनको दो बातों के लिए जाना जाता है एक तो क्या बोला जाता है भैया फादर ऑफ टेक्सनोमी कहा जाता है क्या कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है या वर्गीकी के पिता कहा जाता है या वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है एक तो बात ये थी दूसरी बात यह भी है भैया कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहा जाता है एक तो ये बात जान गए तो दो बातें जान गए भैया तीसरी बात बहुत जबरदस्त है मजा आ जाएगा भैया इनको क्या कहा जाता है भैया कि इन्होंने क्या दिया है बाई नोमियल नॉमक लेचर दिया है क्या दिया है बाई नोमियल नॉमक लेचर भी दिया है तो वैज्ञानिक नाम देने वाला जो सिस्टमवा है वो कौन है भैया कौन दिया था कार्ल कार्लिनियस ने दिया तो इतनी बातें बता दी अगली बात जानिए भैया ये कहाँ के रहने वाले थे स्वीडन के रहने वाले थे कहाँ के रहने वाले थे स्वीडन के रहने वाले थे तो फिर पूछा जाएगा स्वीडन में ये कौन सा काम करते थे लोहार का काम करते थे बढ़ही का काम करते थे किसका काम करते तो बता दो भैया ये प्रकृत वैज्ञानिक थे या नेचुरलिस्ट थे तो भैया बहुत जबरदस्त हाँ बिल्कुल हमारा नाम है चलो भैया हमारा दोस्त था ये सॉरी तो इतनी बात लीजिएगा अब पूरा मामला आता है किस पर भैया पर पर किस पर आता है बेटा टेक्सोनॉमी पर आता है कि सर यह टेक्सोनॉमी क्या है तो ध्यान से समझिएगा टेक्सोनोमी दो शब्दों से बना है एक है मेरे प्यारे दोस्तों टेक्सिस और दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों नॉमी ये दो शब्द से बना है टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट होता है क्या होता है अरेंजमेंट होता है और नॉमी का मतलब होता है रूल होता है या क्या होता है लॉ होता है तो जंतुओं के वर्गीकरण को अरेंजमेंट करने वाले रूल का अध्ययन किस में करते हैं टैक्सोनॉमी में करते हैं अब पूछा जाए कि सर टेक्सोनॉमी जो है इसका शब्द सबसे पहले दिया किसने था तो जो टेक्सनॉमी शब्द जो है वो सबसे पहले किसने क्वाइंट किया था या किसने दिया था तब आप क्या बताओगे भैया ए पी डी कौंडोल ने दिया था किसने दिया था ए पी डी ने दिया था तो याद रखिएगा ए डी कंडोल ने क्या दिया था टेक्सोनॉमी शब्द दिया था फिर आपसे पूछा जाएगा सर अच्छा ये बता दीजिए कि भारत में टेक्सोनॉमी के पिता कौन है तो आप तुरंत बता दोगे भैया फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी भैया मजा आ जाता है पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन टॉमी कौन है भैया तो तुरंत आप बता दोगे भैया प्रोफेसर संता पाऊ है संता बनता वाले नहीं तो प्रोफेसर संता पाऊ को क्या बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी कहा जाता है तो भैया ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या कर दिए पोस्टमार्टम करके छोड़ दिए हैं चलो भैया तो हमारा बचुआ इसको पढ़ेगा तो मजा आ जाएगा है ना चलिए भैया अब आते अगले प्रश्न के तरफ अगला प्रश्न देखो क्या कहता एक है एकदम मजेदार प्रश्न है भैया सभी लोग विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्तया विकसित नाभिक नहीं पाया जाता यहाँ पर नाभिक गलत लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोग लिखिएगा भैया केंद्रक क्या लिखिएगा केंद्रक लिखिएगा तो आपको बताना है कि विकसित केंद्रक कहाँ नहीं पाया जाता है बहुत अच्छा प्रश्न है सभी लोग आंसर तो यार जरा शेयर करिए लाइक मारिए जल्दी जल्दी आपको बताना है है ना किसी को लाइक मारने को कह दो तो, तो जैसे लगता है उनके किडनी मांग लिए है ना बच्चा देखा करता है जैसे लगता है लाइक कह दो तो भैया लाइक कर दो तो जैसे लगता है किडनी मांग लेते हो भाग जाता है घर जैसे ब्लड मांग लिया भाग जाता है घर तो जरा लाइक कर दो दोस्त अगर आपका किडनी ना चला जाए तो जल्दी आंसर दीजिएगा भैया तो याद रखिएगा इसका आंसर मोनेरा होगा इसका आंसर क्या होगा मोनेरा तो याद रखिएगा मोनेरा में किसको रखा गया है एक कोशिकीय जीव को रखा गया है किसको रखा गया भैया एक कोशिकीय जीव को रखा गया है किसको रखा गया है एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक को रखा गया है एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक को रखा गया है अब यहां पर याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है बढ़िया हाँ क्वेश्चन है मजा आ जाता है भैया है ना चलिए दोस्तों तो इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो झनझना ज़न झन ज़न कर दीजिएगा चलो भैया तो आर एच वीटेकर जो कि यूएसए के रहने वाले थे इन्होंने क्या किया इस दुनिया के सारे लिविंग का अरेंजमेंट किया पांच किंगडम में कितने किंगडम में पांच किंगडम पहला है मोनरा दूसरा प्रोटिस्टा तीसरा है फंजाई चौथा प्लांटी और पांचवा है एनिमलिया चलो भैया चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न बहुत मजा आता है भैया सभी लोग इसका आंसर देंगे कौन बच्चा है जो इसका आंसर दे देगा यही है वो प्रश्न जो आपको परेशान करता है परीक्षा में जल्दी बताओ भैया मस्त क्वेश्चन है मस्त क्वेश्चन है उस विकल्प को चुनिए जो लीनियस अनुक्रम की सही आरोही कर्म है बढ़िया क्वेश्चन है सभी लोग आंसर दो भैया कौन कौन बच्चा इसको देना चाहता है आंसर बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त जिंदाबाद जिंदाबाद पहला किंगडम ऑर्डर स्पेसीज जीनस क्लास फैमिली फाइलम ये बात गलत है भैया किंगडम फैमिली जीनस स्पेसीज क्लास ये भी गलत है किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसीज ये सही है बाकी सब क्या है गलत है तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों सबसे छोटा क्या होता है इस होता है क्या होता है इस होता है इसको हिंदी में बोलते जाति फिर उससे थोड़ा बड़ा क्या होता है जीनस होता है क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों जीनस होता है जीनस के बाद क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों जीनस के बाद होता है आपका फैमिली होता है क्या होता है फैमिली होता है और उसके बाद अगर देखें फैमिली से बड़ा कौन होता है मेरे प्यारे दोस्तों तो फैमिली से बड़ा देख सकते हो आपका ऑर्डर होता है क्या होता है ऑर्डर होता है और ऑर्डर से बड़ा क्या होता है क्लास होता है और क्लास से बड़ा क्या होता है फाइलम होता है क्लास से बड़ा क्या होता है फाइलम होता है और सबसे बड़ा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों किंगडम होता है तो ये आपको याद रखना है बहुत ही बढ़िया है इसको सिक्वेंस याद किया जाता है मजा आ जाता है भैया चलिए भैया चलो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब आपसे पूछा जाए कि वर्गीकरण का सबसे बड़ी इकाई क्या है तब किंगडम बताओगे सबसे छोटी इकाई क्या है स्पेसीज है तो ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है तब आप स्पेसिज बताओगे या जाति बताओगे जबकि सबसे बड़ी इकाई अगर पूछा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों तब आप क्या बताओगे किंगडम बताओगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है फिर आपसे पूछा जाएगा इसी इसी प्रश्न में पूछा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि यह बताइए कि सबसे ज्यादा जंतुओं की संख्या किसमें होगी तब आप बताओगे किंगडम में फिर पूछेगा सबसे कम जंतुओं की संख्या में सभी लोग आंसर दीजिए जो मैंने अभी पढ़ाया उसी का आंसर है कितने बच्चे हैं जो आंसर दे जाएंगे चलो भैया बहुत अच्छा कह रहा है वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है बहुत बढ़िया हाँ क्वेश्चन है सभी लोग आंसर देंगे कि वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है पहला है नस्ल दूसरा है जात तीसरा है परिवार यहाँ जाति का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों जीनस जाति का मतलब यहाँ पर कास्ट नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होगा स्पेसीज होगा और यहाँ पर फैमिली है यहाँ परिवार नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए कुल होना चाहिए और यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ है तो ऑर्डर नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए ऑर्डर की जगह जो है वो क्या होना चाहिए गढ़ होना चाहिए अब आपको बताना है कौन सा सही है मस्त क्वेश्चन है एकदम फाड़ू प्रश्न है जल्दी बताओ भैया बहुत जबरदस्त तो कौन सा भैया जाति है थोड़ी देर पहले हम बताए हैं कि सबसे छोटी इकाई जाति है और सबसे बड़ी इकाई क्या है मेरे प्यारे दोस्तों किंगडम है चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है चलो भैया अगला प्रश्न फिर से देखिएगा लगाइए भैया मजा आ जाता है वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है बढ़िया क्वेश्चन है आपको बताना है वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या अधिकतम होती है या सबसे ज़्यादा होती है। सभी लोग बताएंगे भैया बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है अब पता नहीं कहाँ भाग गए हैं क्या पता नहीं कहाँ जा रहे हैं कोई बात नहीं इसका आंसर क्या होगा विशाल राय लकी राजपूत ने आंसर दे दिया है राखी भारती गुड इवनिंग गुड इवनिंग स्पेशल गुड इवनिंग क्या नाम है आसाराम गुर्जर कह रहे सर नमस्कार राजस्थान से नमस्कार भैया खुश खुश रहो रहो चलिए तो सब लोग आंसर क्या देंगे किंगडम देंगे क्या आंसर देंगे भैया किंगडम देंगे हमने अभी बहुत पहले बताया किंगडम देंगे क्या देंगे किंगडम देंगे लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा लक्षण किसका मिलता है तब आप किसको बता देते मेरे प्यारे दोस्तों जीनस वो क्या कहते हैं इस को बता देते किसको बता पूछा जाता सबसे ज्यादा लक्षण किसका मिलता है या तो सबसे ज्यादा जो लक्षण मिलता है वो किसका मिलता है भैया तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों किसका मिलता है जाति का मिलता है या स्पेसीज का मिलता है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ठनाठन बताइएगा भैया चलो बहुत अच्छा बाराबंकी से भी है अच्छा भैया बहुत अच्छा बाराबंकी से तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब चलिए चलो भाई अगला प्रश्न क्या कहता है पूछता है कि सिस्टम नेचुरा किसकी पुस्तक है बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है भैया कोई बच्चा है जो बताए कि सिस्टमान नेचुरा किसकी पुस्तक है बहुत ही जबरदस्त बहुत भैया राकेश कह रहे सर नमस्कार आगरा से बहुत बहुत धन्यवाद ताज नगरी से आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया आओ बढ़िया भैया बहुत जबरदस्त जबरदस्त जिंदाबाद कह रहा है नेचुरा या सिस्टमान नेचुरा जो पुस्तक है वो किसकी है बहुत इसमें गलत लिखा हुआ है स्पेलिंग इसकी ऐसे होगी सिस्टेमा नेचुरा हो तो सिस्टेमा नेचुरा नाम की पुस्तक किसने लिखी थी बढ़िया क्वेश्चन है मजा आ जाएगा भैया कौन आंसर देगा भैया तो आपको पता कैरोलस लीनियस देखिए ध्यान से समझिएगा जो कैरोलस लीनियस का बाइनोमियल नामक लेचर लिखने का जो सिस्टम है उस सिस्टम का डिस्क्रिप्शन इन्होंने कौन सी किताब में की है सिस्टमान नेचुरा में ही किया है ठीक है तो ये सिस्टमा नेचुरा किसकी पुस्तक है कैरोलस लीनियस की पुस्तक है अब जरा इनके बारे में जान लेते हैं जॉन रे जॉन रे अरे बहुत लोग सोच रहे हैं सर अपने जान को बुला रहे हैं, ना वैज्ञानिक जॉन रे इनका पूरा नाम है जॉन रे जॉन रे ने क्या किया था स्पेसीज शब्द दिया था क्या दिया था भैया स्पेसीज शब्द दिया था किसने जॉन रे ने अरिस्टॉटल के बारे में तो आप जानते हो फादर ऑफ बायोलॉजी फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी फादर ऑफ साइंस इन सब के पिता अकेले कौन है अरिस्टॉटल है अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया था यह जानिएगा भैया इन्होंने क्या किया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था क्या दिया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और क्या दिया था मेरे प्यारे दोस्तों अर्नेस्ट हैक्कल ने तो आपको पता है इकोलॉजी शब्द के बारे में भी इन्होंने बताया था या इकोलॉजी शब्द की व्याख्या भी इन्होंने ही की थी किसने अर्नेस्ट हैक्कल ने तो पूरा आपको डिस्क्रिप्शन मिल गया है बहुत बढ़िया ऐसे प्रश्नों को आप लोग जल्दी जल्दी हाल है ना चलो भैया अब आते हैं अगले प्रश्न फिर अगला प्रश्न क्या कहता है देखो भैया अगला प्रश्न कहता है सभी लोग इसका आंसर दो भैया मजा आने वाला है कोई कहीं जाए ना प्रश्नों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा तब तक जब तक पूरा खत्म नहीं तो आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित उड़ने वालों जीओ में से कौन सा पक्षी में नहीं आता है आपको बताना है बढ़िया क्वेश्चन है झना आंसर दो भैया वेस्ट बंगाल की धरती से पढ़ा भैया खुश रहो खुश रहो राहुल केसरी बढ़िया है सभी लोग आंसर दो भैया चमगादड़ कौआ चील तोता चलो भैया है ना बहुत लोग प्यार से क्या कहते हैं चलिए अच्छा भैया अरे भैया देखिए इनका पीडीएफ नहीं मिलता है जरा ध्यान से समझिएगा सब लोग पीडीएफ डी भेजिए बच्चों के पास भाई साहब कहता है कि कौन ऐसा है जो उड़ लेता है फिर भी पक्षी नहीं है बड़ नहीं है पहला ऑप्शन है भैया चमगादड़ कौ चील तोता बढ़िया क्वेश्चन है सभी लोग आंसर दो तो ध्यान से समझिएगा भैया चमगादड़ चमगादड़ क्या है अस्तनी है क्या है अस्तनी है या इसको क्या बोलते हैं भैया ये मैमेलिया है क्या बोलते हैं भैया इसको मैमेलिया है और आपको पता है चमगादड़ को क्या बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं उड़न लोमड़ी भी बोला जाता है क्या बोला जाता है उड़न लोमड़ी भी बोला जाता है बाकी ये कौआ भी चिड़िया है चील भी चिड़िया है और तोता भी ये बेचारा अकेले अस्तनी है या मैमेलिया है बहुत ज़बरदस्त है ना बहुत लोग कहते नहीं का वो चमगादड़ के जैसे बना के चले आए हो है ना कहते काम वो चमगादड़ के जैसे चला तो चमगादड़ बेचारा टुक टुक कैसे देखा करता है है ना चलिए खैर कोई बात नहीं है चलिए तो ये बहुत गड़बड़ आदमी है चमगादड़ याद रखिएगा ये बहुत बखलोल है ना बहुत सारी बीमारियों को फैला देता है कहो तो आपका बाले चाट जाए है ना तो याद रखिएगा हाँ चलिए है ना तो ना फ्लाइंग जाट नहीं फ्लाइंग फॉक्स है है ना तो याद रखिएगा चलो भैया अगला प्रश्न क्या, क्या कहता है देखो भैया अगला प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेज एक्स एंड लाइस एक्स एंड डज नॉट गिव बर्थ डायरेक्टली पहला है एकिडना दूसरा है कंगारू तीसरा है सेही और चौथा है वेल क्वेश्चन मजा आ जाता है भाई ऐसे प्रश्न आते हैं तो एकदम झगा झका आंसर देना होता है कौन बच्चा बताएगा कौन बच्चा बताएगा बताओ जल्दी जल्दी बताओ भैया कह रहा है कि कौन अंडे देता है बच्चे नहीं देता है एकिडना कंगारू से ही बेल कोई बताएगा भैया ए ए ए आंसर ए हो जाएगा तो याद रखिएगा जो है ये अपने क्या करता अंडे तो देता है लेकिन अपने बच्चवा को क्या करता है दूध पिलाता है अंडे तो देता है लेकिन अपने बचवा को क्या करता है दूध पिलाता है भैया तो एकिडना ही नहीं है बल्कि एक लोग और है भैया वो कौन है प्लेटिप कौन है भैया पास। जो अंडे देता है अपने को दूध पिलाता है उनको रखते हैं भैया प्रोटोथीरिया में रखते हैं किसमें रखते हैं किस है? प्रोटोथीरिया में रखते हैं तो यह बात आपको याद रखना है इसको कहाँ रखा जाता है प्रोटोथीरिया में रखा जाता है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त तो एकिडना और प्लेटिपस अंडे देता है और अपने बच्चे को दूध पिलाता है इसीलिए इसको किस में रखा जाता है प्रोटोथीरिया में रखा जाता है कंगारू को किस में रखा जाता है मेटाथिरिया में रखा जाता है किस में रखा जाता है भैया मेटाथीरिया में और मानव को किस में रखा जाता है भैया यूथीरिया में रखा जा तो मानव किस किसका है भैया किस सब क्लास का है यूथीरिया का है कंगारू क्या है मेटाथीरिया का है और एकिडना और प्लेटीपस क्या है प्रोटोथीरिया बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो फटाफट आंसर दिया करिए भैया हम चाहते हैं चलिए भैया आप इसकी हिंदी तो ऐसे ही लिख सकते हैं बस और कोई चारा नहीं है भैया प्लेटीपस है ना चलो कोई बात नहीं एकिडना को एकिडना ही बोला जाता है चलो भैया ये यूथीरिया को यूथीरिया ही बोला जाएगा इसका नाम सिर्फ कहो तो देवनागरी लिपि में हम लिख सकते हैं अगला प्रश्न क्या कहता सभी लोग पढ़ो भैया और आंसर ठोको सभी लोग पढ़ो भैया और आंसर ठोको गपा-गपा आंसर दो विच ऑफ नॉट एन इंसेक्ट आपको बताना इनमें कौन सा एक इंसेक्ट नहीं है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है सभी लोग बताओ भैया कौन कौन बताएगा दुर्गेश राय बताएंगे रिंकू गुप्ता बताएंगे मोहित बताएंगे चलिए बहुत अच्छा चलिए भैया बहुत अच्छा चलिए भैया चलिए भैया बहुत बढ़िया चलो भैया बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा भैया सभी लोग आंसर देंगे भी आंसर देंगे भूषण भी आंसर देंगे जल्दी जल्दी लाइक करो भैया जल्दी जल्दी आपको बताना है कि कौन इसमें इंसेक्ट नहीं है कौन इसमें इंसेक्ट नहीं तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि इंसेक्ट की खास बात क्या है इंसेक्ट्स की खास बात यह है कि इसमें तीन जोड़ी पैर पाया जाता है क्या पाया जाता है तीन जोड़ी पैर पाया जाता है या थ्री पियर्स लेक पाया जाता है तो कीट उन्हीं को कहा जाएगा जिनमें क्या पाया जाएगा तीन जोड़ी पैर पाया जाता है और तीन जोड़ी पैर इनमें भी होता है तीन जोड़ी पैर इनमें भी होता है तीन जोड़ी पैर इसमें ये मकड़ी बकलोल जो है इसमें चार जोड़ी पैर पाया जाता भैया जब चार जोड़ी पैर पाया जाएगा तो ये कीट नहीं है भैया तो याद रखिएगा मकड़ी में चार जोड़ी पैर पाया जाता है इसीलिए इसको कीट नहीं कहा जाता है बल्कि इसको आर्कनीडा कहा जाता है क्या कहा जाता है भैया आर्कनीडा कहा जाता है खटमल है भैया खटमल मतलब बेड बैग में तो पाया ही पाया जाता है तो ये आपको याद रखना है चलिए मच्छर रात भर सोने नहीं देता है है ना हम तो टेंशन में आ जाते भैया चले जाओ ए भैया चले जाओ सोने दीजिए नहीं तो सुबह बहुत पढ़ाएंगे आपको है ना तो याद रखिएगा भैया चलो भाई चलिए चलिए बहुत अच्छा अगला प्रश्न क्या कहता है फिर से सुनिए भैया अगला प्रश्न क्या कहता है चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है बढ़िया क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है मजा आ जाता है भैया तो याद रखिएगा चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है प्लांट्स ग्रो ग्रो ऑन रॉक्स और कॉल्ड बढ़िया क्वेश्चन है कितना बच्चा इसका आंसर दे पाएगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा भैया कितना बच्चा आंसर दे पाएगा यास्मीन खातून भी है भैया सुशील कुमार भी हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और वेदांत वेदांत ये मैथ और साइंस का कल पी नहीं मिला पहुंचा था उसको पहुंचाइए भैया जल्दी बच्चों के पास ठीक चलिए तो जरा जल्दी जल्दी जिसने लाइक नहीं किया है जिसकी किडनी में मांग रहा हूँ प्लीज़ हमको दे दीजिए ऐसा लग रहा है हमने लाइक करने को बोल दिया तो किडनी जैसे मांग लिया है ना कोई बात नहीं ठीक चलिए खैर कोई बात नहीं किडनी ना दीजिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए बट ठका ठक -थक आंसर दो भैया हम बहुत मज़ा आता है ऐसे प्रश्नों के आंसर देने में है ना चट्टान पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है भैया तो चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लीथोफाइट कहा जाता है क्या कहा जाता है लीथोफाइट देखो बहुत ही आसानी से आपको याद दिला देते हैं का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों रॉक्स लिथॉस का मतलब होता है रॉक्स रॉक्स का हिंदी होता है चट्टान तो जो चट्टानों पर उगते हैं उन पौधे को क्या बोलते हैं शैलोदिद बोलते हैं या क्या बोलते हैं लिथोफाइट बोलते हैं बाकी अधिपादप या इपीफाइट उनको बोलते हैं इपीफाइट यहाँ पर गलत लिखा हुआ इपिफाइट की स्पेलिंग ऐसे होगी इपी फाइट एपिफाइट e उनको बोलते हैं जो एक पौधा दूसरे पौधे पर उगता है जैसे कास्क्यूटा जैसे भैया कास्क्यूटा कास्क्यूटा का मतलब समझ रहे अमरबेल या भैया जल्दी से एक हजार करो भैया मजा आ जाता है एक हजार देख के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है चलिए जो एक पौधा दूसरे पौधे पर उगता है उसको एपिफाइट e कहा जाता है या उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं कस्क्यूटा या अमरबेल पहला दूसरा अगर देखेंगे भैया लवड़ोद्भिद या इसको बोलते हैं इसकी गलत हिंदी लिखी इंग्लिश लिखी हुई है लवड़ोद्भिद को बोलते हैं हीलोफाइट क्या बोलते हैं हेलोफाइट और हीलोफाइट उनको बोलते हैं जो नमकीन मिट्टी पर उगते हैं नमकीन जगह पर उगते हैं मरुद्भिद मरुद्भिद को इंग्लिश में बोलते हैं जीरोफाइट जो सूखे स्थान पर उगते हैं या मरुस्थल में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं ये बोला जाता है ठीक तो याद रखना बहुत बढ़िया है मज़ा आ जाता है ऐसे समय चलो भैया चलिए तो भैया जरा देख लो बच्चों का शिकायत है कि पीडीएफ नहीं पहुंच रही है तो मेरे प्यारे है ना जो भी हैं टेक्निकल टीम से एक बार रिक्वेस्ट गुजारिश है कि बच्चे की सख्त तो शिकायत है कि जल्दी से क्या किया जाए भेजा जाए चलो भैया अगला प्रश्न क्या कहता है अगला प्रश्न बहुत मजा है भैया कौन देगा इसका आंसर कौन देगा इसका आंसर कौन देगा इसका आंसर पढ़िए आंसर मारो भैया कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी या कीटभच्छी पौधा है विच ऑफ द फॉलोइंग द इंसेक्टी बोरस प्लांट आपको बताना है इनमें कौन सा इंसेक्टीबोरस प्लांट है बढ़िया क्वेश्चन मजा आ जाता है भैया ऐसे प्रश्नों को देखकर गजब गजब भैया है ना भैया बहुत जबरदस्त सभी लोग आंसर दीजिएगा बहुत बढ़िया कौन कौन देगा स्वाति अग्रवाल भूषण देंगे मुन्ना देंगे देवान्ती देंगे आर्मी देंगे बहुत बढ़िया आंसर है भैया सभी लोग ठकाठक आंसर मारो भैया सुनील कुमार ने कहा है सर बी 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 अच्छा बी वाला आंसर दीजिए जल्दी दो भैया मजा आ जाएगा चलिए तो आपको पता है घटपड़ी को बोला जाता है यहाँ पर घटपड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं पिचर प्लांट बोलते हैं क्या बोलते हैं पिचर प्लांट बोलते हैं और पिचर प्लांट का एक्चुअल नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों तो आपको पता है क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों इसका नेफेंथीज नाम है क्या नाम नामिजिनल इसका ओरिजिनल इसका नाम। नेम है भाई साहब तो ऐसे प्रश्न आए तो बिल्कुल धमाधम कर दीजिए अगला प्रश्न देखो भैया ऐसे प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक मछली है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया ये याद रखिएगा बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता है बहुत लोग झींगा मछली को कहते हैं अच्छा झींगा मछली है और मुँह बना के बाल्टी के जैसे बैठे रहते हैं हाँ सर झींगा मछली ही है है ना फिर उनकी फलानी आती चटाक से मारती भाई झींगा मछली कहाँ है झींगा तो है आर्थो तो अच्छा हाँ हाँ सर पढ़ाए थे पढ़ाए थे इस तरह के प्रश्न चलिए भैया कोई बात नहीं कोई बात नहीं सभी लोग इसका आंसर दो कोई बात नहीं है जेडी कोई बात नहीं जल्दी आंसर दीजिएगा कि इसमें कौन सी मछली है तो मछली केवल कैटफिश है क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कैटफिश है अब ध्यान से समझिएगा कैटफिश का मतलब क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं मांगुर मछली एक पढ़ते हैं कौन सी मछली मांगूर मछली और ये मांगूर मछली को ठीक है काटफिश के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है काटफिश के नाम से तो बहुत ही आसान था भैया काटफिश के नाम से जाना जाता तो मंगूर मछली को किस नाम से जानते हैं काटफिश के नाम से जानते बाकी कोई मछली नहीं है बाकी कोई मछली नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों ना तो ये मछली है ना ये मछली है ना ये मछली है झींगा मछली को क्रेफिश कहा जाता है बट वो मछली नहीं है चलो भैया तो कैटफिश ही मछली अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को बताते बढ़िया सभी लोग आंसर दो भैया जितने बच्चे हैं कौन कह रहा है बहुत बढ़िया चलो भैया बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा सब लोग आंसर दो बहुत जबरदस्त टपकेगा भैया ऐसे प्रश्न आएंगे बहुत अच्छा बहुत बढ़िया सभी लोग अनिल कुमार आंसर देंगे भैया सब अरे सत्यपाल यूथ खत्म कर डाला गया भैया दोस्त चलिए सब लोग आंसर दीजिए सत्यपाल यादव आंसर देंगे और कौन आंसर देगा मोमिन कुमार आंसर देंगे कोमल भी आंसर देंगे चलिए बहुत आरजू यादव भी आंसर देंगे चलिए रोशनी भी आंसर देंगे सब लोग आंसर दे पवन भी देंगे प्रदीप भी देंगे महफूज भी आंसर देंगे कमलेश भी आंसर देंगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है देखिए एक होता है गर्म रुधिर वाले और एक होता है ठंडा रुधिर वाले मतलब वार्म ब्लेडेड कोल्ड ब्लेडेड वार्म ब्लेडेड उनको बोलते हैं जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से घटने बढ़ने पर उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वो अपने टेम्परेचर को एक जैसा बनाए रखते हैं कोल्ड ब्लेडर उनको कहते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से क्या करते है? घटाते बढ़ाते रहते हैं तो भैया हमेशा क्या करते हैं ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते एक सा बनाए तो गर्म रुधिर वाले क्या करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा एक जैसे बनाए रखते जैसे इसमें मानव आता है ह्यूमन आता है और ह्यूमन जो है उनके बॉडी का टेम्परेचर सैंतीस डिग्री रहेगा चाहे बाहर का टेम्परेचर बीस डिग्री हो या चालीस डिग्री उससे उसका कोई मतलब नहीं है सैतीस डिग्री ही रहेगा तो भैया इसको याद रखना है चलो भाई साहब अगला प्रश्न अगला प्रश्न है और सभी लोग इसका आंसर देंगे भैया बताओ भैया मजा आ जाता है ऐसे प्रश्न आते हैं ऐसे प्रश्न थोड़ा घुमावदार आते हैं मजा आ जाता है भैया बढ़िया क्वेश्चन कौन आंसर देगा जेडी भी आंसर दे देंगे कलुआ भी आंसर देगा चलिए बहुत अच्छा चलिए बाह अरे भाई साहब इतना रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई लोग जो है कितना प्यार से बोल रहा है कि भाई लोग सभी लोग लाइक कर दो अब भाई लोग अपने किडनी थोड़ी ना दे देंगे है ना है ना बोलता नहीं है पैर में चोट लगी तो किडनी निकाल लिया अच्छा सुना है कि नहीं सुना है वाला है ना रन मूवी में कहता नहीं कौवा बिरयानी तो किडनी निकाल लिया बे है ना ऐसा बोलता चलिए तो हम किडनी निकालने की बात नहीं कर रहे हैं दोस्त ठीक है सब लोग क्या कर दीजिए जल्दी बताओ भैया चलिए चलिए मिथिलेश कुमार जल्दी आंसर दीजिए कि एम्फीबिया क्या बताता तो एम्फीबिया का मतलब होता है एम्फॉस एम्फॉस का मतलब होता है बाई नेचुअल या बाई नेचर या डुअल नेचर वो पानी में भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों पानी के साथ साथ और कहाँ रहते हैं लैंड पे भी रहते स्थल पर रहते तो ये जल और स्थल दोनों पर ही पाए जाने वाले जंतु को क्या बोला जाता है एमफीबिया बोला जाता है और इसी में कौन आता है मेढक आता है या फ्रॉग आता है टोड आता है हाइला आता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे ऐसे प्रश्नों को चलो भैया ठीक है एक लोग को बहुत फलानी याद आ रही है क्या बात है भाई साहब फलानी वलानी से मिलने गए थे क्या आज कोई बात नहीं है ना चलिए अभी फलानी कह दिन लाइक कर दो तो फलानी के नाम से तो ये एक हजार लाइक कर देंगे हम कहेंगे तो लाइक नहीं करेंगे कोई बात नहीं है कोई बात फलानी तो उनका दिल का टुकड़ा है हम थोड़ी ना दिल का टुकड़ा है हम तो टीचर हैं पढ़ा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है सिलेक्शन ले ले है ना चलिए है ना चलिए चलिए भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो भाई साहब अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है आपको बताना है स्पंज क्या है आपको बताना है स्पंज क्या है सभी लोग आंसर दो भैया स्पंज क्या है चलिए भैया सूरज भाई बताओ सूरज गोपी चंद बताओ स्पंज क्या है सूरज गोपी बताइए स्पंज क्या है तो कोई बात नहीं है स्पंज किसको बोला जाता है पता है आपको स्पंज बोला जाता है संग पोरी फेरा को बोला जाता है किसको बोला जाता है भैया संग पोरी फेरा को बोला जाता है और आपको पता है संग पोरी फेरा किस में आता है एनिमल किंगडम में आता है किस में आता है भैया एनिमल किंगडम में आता है और अगर एनिमल किंगडम में आता है तो वो क्या होगा एनिमल होगा तो एन एनिमल एन एनिमल बहुत जबरदस्त का क्वेश्चन था बिल्कुल मजा आ जाता है भैया ऐसे प्रश्न आते हैं तो बहुत ही मस्त रहता है बहुत ही जबरदस्त रहता है चलिए देख रहे हो नौ सौ इकतीस तैतीस लोग लाइक चार सौ तीन कोई बात नहीं है ठीक है देखते हैं भैया अपना भी दिन आएगा है ना वही होगा बारह बारह हज़ार लाइक तब देखते रहना अरे मेरे प्यारे दोस्त आप ही लोगों से मुझे लाइक मिलता है तो ज़रा लाइक मारिए चलो भैया ठीक है चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्त ध्यान से समझिएगा बहुत मस्त क्वेश्चन है आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मुकलन द्वारा प्रजनन करता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाई बढ़िया क्वेश्चन है मस्त क्वेश्चन है सभी लोग आंसर दीजिएगा चलो भैया चलिए लोकेंद्र यादव कुछ कहना चाहते हैं अब हमको गलिया रहे हो कि क्या कह रहे हो ये तो हमको नहीं पता है लेकिन कुछ कह रहे सर आप जो है ये करते हो वो करते हो खैर कोई बात नहीं धन्यवाद भाई साहब ठीक है चलिए आप हमको गाली दोगे तो भी धन्यवाद तारीफ़ करोगे तो डबल धन्यवाद है ना अगर ज़्यादा तारीफ़ करोगे तो ट्रिपल धन्यवाद आंसर दो भैया कह रहा निम्नलिखित में कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाई बडिंग सबसे पहले बडिंग जान लो होता क्या है भैया कोई पौधा है उस पौधे के शरीर पर फूल जाएगा गुलम्मा टाइप का निकलेगा फिर वो गुलम्मा टाइप फूल के बाहर गिर जाएगा टूट के उसी से नया पौधा पुचूक से निकलेगा है ना उसी को बोलते हैं बडिंग और बडिंग दो लोग करते हैं एक तो भैया हाइड्रा करता है बडिंग से रिप्रोडक्शन और दूसरा कौन करता है ईस्ट करता है हाइड्रा और ईस्ट जो है ये अपना रिप्रोडक्शन किससे करते हैं बडिंग से करते हैं है या मुकलन से करते हैं बडिंग से करते हैं या मुकलन से करते हैं अब दूसरी बात समझिएगा युगलीना किससे करता है भैया बाइनरी फिशन से करता है किससे करता है भैया बाइनरी फिशन से करता है या क्या कहते हैं विखंडन से करता है अमीबा भी किससे करता है बाइनरी फिशन से प्लाज्मोडियम करता है बहुविखंडन से या मल्टीपल फिशन से करता है किससे करता है बहुविखंडन से करता है या किससे करता है मेरे प्यारे दोस्तों मल्टीपल फिशन से करता है ठीक है चलो भैया चलो भैया ठीक है तो बढ़िया क्वेश्चन था मजा आ जाता है ऐसे प्रश्नों को देखकर एकदम से दिल गार्डन गार्डन हो जाता है भैया हमको तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे प्रश्न चलो भैया अगला प्रश्न यार सब लोग आंसर दो इसका मजा आ जाता है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा समूह कौन सा है भैया याद रखिएगा याद रखिएगा मेरे प्र... हाँ हाँ एक लिंगी होते हैं जो चलिए याद रखिएगा यहाँ पर जो बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये सबसे बढ़िया हाँ है देखो भैया अगर आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा बाबू सबसे बड़ा संघ कौन सा है सबसे बड़ा संघ कौन सा है तब आप तुरंत बताओगे सर आर्थोपोडा है क्या है आर्थोपोडा है फिर पूछेगा सर अच्छा इतने से तो बात पछती की नहीं इतने से मजा नहीं आएगा अच्छा बताओ दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है सर तब क्या बोलोगे कि भैया दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है मोलस्का है क्या है बाबू मोलस्का है तब जब बड़ा बड़ा बात हो गई तो छोटी छोटी बातें आपसे पूछा जाए सबसे छोटा संघ कौन सा है सबसे छोटा संघ कौन सा है ये आपको याद रखना है सबसे छोटा संघ कौन सा है इकाइनो डरमेटा है कौन है भैया इकाइनो डरमेटा है तो पूरी बातें समझ में आए कोई ऐसा बच्चा है जो इस कॉन्सेप्ट से अलग हो जाए अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा संघ आर्थोपोडा दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का सबसे छोटा संघ तो अब आप लोग आंसर दे सकते हो सबसे बड़ा सेंग कौन सा है 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 कौन सा भैया आर्थोपोडा है यार ये होती है पढ़ाई ये होती है पढ़ाई ठीक है मेरे प्यारे दोस्त चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है आपको बताना है स्टारफिश को किसमें रखा जाता है बढ़िया क्वेश्चन है भैया बहुत जबरदस्त तारा मछली को किसमें रखा जाता है या तारा मीन को या स्टार फिश को किस में रखा जाता है इकाइनोडरमेटा में रखा जाता है एनालिडा में रखा जाता है पोरीफेरा में रखा जाता है या निमेटोडा में रखा जाता है भना भना आंसर दो भैया बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त भैया ऐसे प्रश्नों का स्टार फिश देखे हो ना तारों का चमकता गा। सॉरी गाना हम गाने लगे थे कोई बात नहीं ऐसे इस, ए, मेरा तो स्टार बहुत गलत बन गया है ठीक चलिए खैर कोई बात नहीं है स्टार फिश कुछ इस प्रकार का होता है मेरे प्यारे दोस्त सभी लोग देख लीजिएगा कुछ स्टार फिश इस, इस प्रकार का होता है है ना तो इस स्टार फिश को किस में रखा जाता है इकाइनो डरमेटा में रखा जाता है किस में रखा जाता है इकाइनो डरमेटा में ध्यान से समझिएगा पहचानने का तरीका स्टारफिश के शरीर पर कांटे पाए जाते क्या पाए जाते हैं कांटे पाए जाते और जिनके शरीर पर कांटे पाए जाएंगे उनको कहां पर रखा जाएगा इकाइनोडर्मेटा अब बहुत लोग कह रहे होंगे सर याद कैसे होगा तो इकाइनोस का मतलब ही होता है स्पाइन इकाइनोस का मतलब क्या होता है स्पाइन और स्पाइन की हिंदी क्या होती है कांटा लगा क्या होगा कांटा लगा हाई लगा है ना चलो भैया याद कर लीजिएगा सब लोग याद कर लो कोई ऐसा बच्चा जिसको याद ही ना हो ये हो ही नहीं सकता है है ना चलो भाई साहब चलिए भैया तो मस्त क्वेश्चन एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है कि स्टार फिश को किस फाइलम में रखा जाएगा इकाइनो डरमेटा में रखा जाएगा तो बहुत ही आसान प्रश्न था अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलो भैया अगला प्रश्न क्या कहता है कहता है संघ के प्राणी अनन्य रूप से समूह में आ, समुद्र होना चाहिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है समूह होना चाहिए ठीक है यहाँ पर क्या होना चाहिए सी या समुद्र जो है यहाँ पर क्या लिखना चाहिए समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले होते हैं तो भैया इकाइनोडर में समुद्र में पाए जाते हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों पानी में तैरा करते हैं उनको ना कोई रोकने वाला होता है ना टोकने वाले मतलब वो अपने माँ बाप की भी बातें नहीं मानते हैं चलो भैया बहुत जबरदस्त चंदन कुमार भाई साहब धन्यवाद धन्यवाद आओ भैया अगला जल्दी जल्दी थोड़ा लाइक मारो शेयर करो जल्दी जल्दी चलो भैया अगला प्रश्न क्या हाँ मेरी क्लास के टाइम छः बजे साइंस की क्लास पर डे होती है शाम को छः बजे साइंस की क्लास पर डे होती है ये आपको याद रखना इसी यूट्यूब चैनल एम डी क्लासेस भारत का सबसे बढ़िया चैनल सबसे बड़ा चैनल जो आपकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करा कर तैयारी कराता है वो एकमात्र चैनल एम डी क्लासेस इस पर शाम को छः बजे मैं क्लास लेकर आता हूँ बाकी मेरा नाम तो जानते हो आपको पता है मैं अपना नाम नहीं लेता हूँ भाई साहब और स्पेशली याद रखना बुधवार के दिन भैया कागज़ कलम नहीं छूता हूँ नाम नहीं लेता हूँ ठीक है चलो भाई साहब आओ ये, अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या कहता है देखो भाई साहब अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा कसेरुकी की विशेषता नहीं है आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट पहला है पृष्ठ रज्जु या नोटो कार्ड का पाया जाना ब्यासे आंतरिक कंकाल इंटरनल या इसको बोलते हैं इंटरनल स्केलेटन, या द्विभागीय को बोलते हैं समित्री क्या बोलते हैं भैया बाईलेटरल सिमेट्री बढ़िया क्वेश्चन है सभी लोग आंसर दो भैया सभी लोग आंसर दो क्या गलत है इसमें क्या गलत है भैया बहुत अच्छा सभी लोग आंसर दो भैया क्या गलत है चलिए भैया तो बहुत जबरदस्त जिंदाबाद चलिए बहुत बढ़िया तो याद रखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्या नहीं पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों बहुत, बहुत सही बहुत सभी लोग का आंसर आ रहा है बहुत सही सभी लोग का आंसर आ रहा है बढ़िया बढ़िया और थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि कोई भी ना बच्चे जो आंसर ना दे लव यू भैया अजय कुमार लव यू है ना अजय कुमार को मुझसे प्यार हो गया है कोई बात नहीं है तो लेकिन ध्यान दीजिएगा अजय कुमार ठीक है चलिए आगे देखिएगा और आंसर दो और आंसर तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों चलिए तो याद रखना रेडियल होनी चाहिए डायमे होना चाहिए तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा आंसर होगा बी अगला प्रश्न क्या कहता है अगला प्रश्न फिर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा जीव कसेरुकी नहीं है आपको बताना है कौन सा जीव कसेरुकी नहीं है तो पहले कसेरुकी समझने से पहले सारी बातें समझिएगा भैया कछुआ को रखा जाता है एनालिडा में रखा जाता है किस कहा रखा जाता है एनालिडा में रखा जाता है छिपकली को किसमें रखा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों कॉर्डेटा में रखा जाता है मछली को भी कहा रखा जाता है कॉर्डेटा में रखा जाता है और आपको पता है जिसमें कसेरुक पाया जाता है वो उसको कारडेटा कहलाते हैं जिसमें कसेरुक नहीं होता है उसको कुछ भी कह सकते हो तो एनालिडा क्या है आकसेरुकी है एनालिडा क्या है आ कैसे रुकी है ठीक है चलिए समझ में मेरे प्यारे दोस्तोंड पाया जाता है या, या, या बैकबोन पाया जाता है बाकी जो भी कुछ दुनिया में बचता है उसमें नोटोकार्ड नहीं पाए इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आर्थुअम या के अगला प्रश्न क्या कहता है अगला प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणियों में सलकों की कमी और त्वचा में सिलेशमा ग्रंथि पाई जाती बहुत हाँ है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सभी लोग आंसर दोगे भैया सभी लोग आंसर दो मजा आ जाता है सभी लोग इसका आंसर देंगे हम तो चाहते सारा बच्चा आंसर दे दे कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस एनिमल लैक स्केल एंड हैव म्यूकस ग्लैंड तो आंसर होगा आपका उभयचर या एम्फीबिया एम्फीबिया और में कौन आता है भैया मेढक आता है के स्किन पर भैया नहीं नहीं पाया जाता है। मतलब सल्क नहीं पाया जाता जाता है है मतलब लेकिन उनकी स्किन पर ग्लैंड्स जरूर पाया जाता है क्या पाया जाता है ग्लैंड्स जरूर पाया जाता है और उस ग्लैंड से चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसको क्या बोलते हैं म्यूकस बोलते है। कभी आपसे मेढक टकरा जाए ना तो आपकी स्किन जो है भीग जाती तो हम लोग कहते हैं मेडक शिक्षक कर दिया है है ना ऐसे हम लोग बोलते लेकिन ऐसा कुछ नहीं उनकी स्किन पर ग्लैंड पाई जाती है और वह ग्लैंड जो होती है वह म्यूकस चिपचिपा पदार्थ निकालती है ताकि उनमें क्या होता है क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है या क्या होता है त्वचीय श्वसन होता है उस त्वचीय श्वसन की वजह से क्या होता है मेरे प्यार ऑक्सीजन के मालिक्यूल उस चिपचिपे पदार्थ में चिपक जाते हैं और अपने स्किन से ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं ठीक है चलिए भैया अगला प्रश्न देखो भैया अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान से समझिएगा किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़े अथवा फेफड़ों द्वारा होता है तो सबको पता है मस्त क्वेश्चन है सभी लोग सभी लोग 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 आंसर आंसर देंगे भैया दो तो चला हम लोग चेक कर लेते हैं मत्स्य में किससे होता है भैया गलफड़े से होता है या गिल्स से रिस्पायरेशन होता है सर सिर्फ में किससे होता है मेरे प्यारे दोस्तों फेफड़े से होता है पक्षी में भी किससे होता है फेफड़े से होता है लेकिन ये उभयचर है ये भैया फेफड़े से भी रिस्पायरेशन करता है गलफड़े से भी रिस्पायरेशन करता है, और भैया त्वचा तो से भी रिस्पायरेशन करता है तो ये कौन सा आंसर सही डी इज द करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर अरे भैया गलफड़े से भी करता और फेफड़ों से दोनों पूछा है तो याद रखिएगा उभयचर होते हैं जब बाहर रहते तो फेफड़े से करते हैं पानी के अंदर जब उनका बचवा रहता है तो गलफड़े से करता है जमीन के अंदर धस जाते हैं तो त्वचा से करते हैं तो डी इज द करेक्ट आंसर भैया बाकी मछली गलफड़े से करता है सरी सरीफ मतलब सांप वगैरह जो है वो फेफड़े से शोषण करता है पक्षी भी फेफड़े से करता है यहाँ तक कि मानव भी किससे करता है फेफड़े से करता है चलिए अगला प्रश्न क्या पक्षी वर्ग के बारे में आपको बताना है कि पक्षी वर्ग की स्किन कैसी होती है सभी लोग आंसर दोगे भैया कि दियर इज दियर इज डॉट डॉट इन द बर्ड क्लास आपको बताना है बढ़िया क्वेश्चन है सभी लोग आंसर दो जल्दी आंसर दो भैया तो पता है पक्षी में पंख पाया जाता है बिल्कुल पंख पाया जाता है। या तो यह सही होगा या तो यह सही होगा उनकी स्किन शुष्क होती है बिल्कुल सही बात है लेकिन उनके स्किन पर ग्लैंड नहीं पाई जाती है तो यार यही वाला आंसर सही हो जाएगा क्या होगा पंख के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा तो पाई ड्राई एंड नॉन ग्रेनुलर फीचर्स पाया जाता है चलो भैया अगला प्रश्न अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है हमने आपको बहुत बार बताया जो अंडे देते हैं उनको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ओबी पैरस बोलते हैं क्या बोलते हैं ओबी पैरा बोलते हैं और जो बच्चे देते हैं या गिव बर्थ देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों बीबी पैरा बोलते क्या बोलते हैं बीबी पैरा बोलते हैं तो ये बहुत ही आसान था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो उसको अंडाज ना लिखेगा बल्कि क्या लिखेगा ओ पैरा क्या बोलेंगे भैया ओबी पर तो जो अंडे देते हैं उनको अंडा जिया क्या बोलते हैं अंडज बोलते हैं या उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ओबी बी पैरा और जो बच्चे देते हैं उनको जरायुज बोलते हैं या क्या बोलते हैं बीबी पैरा बोलते हैं क्या बोलते हैं भैया बीबी पैरा तो पूरी बातें आपको हमने बता दिया अगला प्रश्न क्या कर निम्नलिखित में कौन सा जंतु सरि से संबंधित नहीं है बहुत ही मस्त क्वेश्चन है सत्ताईस नंबर का आंसर दो मज़ा आ जाएगा आपको बताना है कौन है जो रेप्टीलिया में शामिल नहीं है भैया बताओ भैया बहुत जबरदस्त तो भैया कछुआ है, मगरमच्छ रेप्टीलिया है टोड जो है वो एम्फीबिया है टोड जो है या दादुर जो है वो क्या है एम्फीबिया है सरीसृप भी क्या है रेप्टीलिया है तो भैया आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाए देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भाई इस तरह के प्रश्न हम लेकर आए और आपकी परीक्षा में ना एकदम दावे के साथ करें ये चारों क्लास जो चलती है हमारे वहाँ एमडी क्लासेस पर अगर आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो सरतिया आपके सारी तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगे भैया चलो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोसले में अंडे नहीं देता तो यार याद रखेगा कौन नहीं देता है कोयल नहीं देती है कौन नहीं देती भैया कोयल ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है कोयल क्या करती है कि दूसरे के क्या करते हैं घोसले को कब्जा कर लेते और वहीं पर अपना अंडा देते उनके अंडे को क्या कर देते हैं गिरा देते आपने देखा है कि नहीं देखा है कौन सा थ्री इडियट का ना वायरस कोयल कभी अपने घोंसले में अंडे नहीं देते हैं दूसरे घोंसले में क्या करते हैं कब्जा करके वहां पर अंडे दे देते हैं है ना ऐसा अगर आपको सीखना है देखना है तो थ्री इडियट देखिए भाई साहब तो कौन सा आंसर होगा कोयल कुक है ना चलो ये तो बहुत आसान है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोयल से तेरी बोली कुक कुकू कु, पता नहीं क्या गाना वाना बचता है खैर कोई बात नहीं अब बेईमान आदमी है कोयल तो आपसे पूछा जाए कि मार्सुपियम किस में पाया जाता है फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्सुपियल तो आपको पता है कंगारू होगा क्या होगा कंगारू देखो कंगारू आविकसित बच्चे को जन्म देता है और आविकसित बच्चे को जन्म देकर वो अपने पेट के पास जो पैकेट लगी होती है उसी पैकेट में रख देता है उस पैकेट को मारसूपियम कहा जाता है क्या कहा जाता है मारसूपियम कहा जाता है अच्छा मम्मी को बहुत मजा आता है मम्मी जी नमस्कार मम्मी जी नमस्कार मम्मी जी चरण छू रहे हैं चलो मम्मी खुश रहिए मस्त रहिए स्वस्थ रहिए झना झन रहिए ठीक है चलिए आशीर्वाद दीजिए अपने बच्चे को ठीक है चलिए चलिए तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कंगारू इसका आंसर है चलो भैया कंगारू क्या करता है छोटका सा बच्चा देगा छोटा सा बच्चा देगा उठा के अपने पेट में में पैकेट रखा हुआ उसी में रख लेगा उसका बबुआ, उसका बबुआ जो है से झाकेगा मम्मी के पेट से से मतलब पैकेट जब खूब बड़ा हो जाएगा उसी पेट में तब तो धम से बाहर निकलेगा है ना चलिए चलिए आओ भैया कह रहे हैं क्या तो मारसूपियम उसी पैकेट को बोलते हैं ठीक है जरा यार लाइक कर दो सब लोग लाइक करो यार मजा नहीं आ रहा है अस्तनधारियों का हृदय कितने चैंबर का होता है अस्तनधारियों का हृदय कितने चैंबर का होता है मस्त क्वेश्चन है भैया चलिए चलो भैया बहुत अच्छा बहुत अच्छा आपको बताना है अस्तनधारियों का हृदय कितने चैंबर का होता है तो कोई बात नहीं आज हम सब बताए दे रहे हैं चलिए पहली बार अगर मत्स्य की बात करेंगे या मछलियों की बात करेंगे किसकी बात करेंगे भैया मत्स्य की बात करेंगे तो उनमें तीन चैम्बर सॉरी दो चैंबर होते हैं और अगर उभयचर की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों या फिर अगर हम लोग देखेंगे बात किसकी करती है सरी सिर्फ की बात करेंगे तो इनमें कितनी चैम्बर होते हैं भैया इसमें तीन चैम्बर होते हैं लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे भैया पक्षी की और किसकी अस्तनी की बात करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों इनमें चार चैम्बर तो अस्तनधारियों में कितने चैंबर होते हैं चार चैंबर होते हैं कितने चैंबर होते हैं भैया चार चैंबर होते हैं तो दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन अगला प्रश्न क्या कहता है अस्तनधारियों में पाया जाता है तो बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है भैया बालों के साथ स्किन में ग्लैंड भी पाई जाती है दो तरह की ग्लैंड पाई जाती है एक होता है ऑयल ग्लैंड होती है और दूसरा स्वेट ग्लैंड पाई जाती है मतलब पसीने की ग्रंथि भी पाई जाती है तेल की ग्रंथि भी पाई जाती है अब ये ना कहिएगा सर डीजल पेट्रोल वाला भी पाया जाता है या रिफाइंड तेल वाला पाया जाता है ना भैया ये गलत बात है बहुत लोग सोचेंगे नहीं सर सरसों का तेल वाला पाया जाता है नहीं उन्हें सर बजाज आलमंड वाला तेल पाया ना वो वाली ग्लैंड नहीं पाई जाती है वो एक्सट्री प्रोडक्ट निकालने वाला ग्लैंड पाया जाता है चलो भैया तो ये बात आपको याद रखना है चलिए भैया ठीक तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा तो पाई जाती है अगला प्रश्न क्या कर मनुष्य मैमेलिया वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक क्या नहीं आता है तो भैया चूहा क्या है मैमेलिया है या स्तनधारी है तो मनुष्य भी क्या है स्तनधारी है चूहा भी क्या है अस्तनी है या स्तनधारी है छिपकली क्या है सरीसृप है छिपकली क्या है सरी सिर्फ है बिल्ली भी क्या है अस्तनी है भैया और सूर भी क्या है अस्तनी है तो याद रखिएगा मनुष्य और स्वर एक ही कैटेगरी में आता है चलिए खैर कोई बात नहीं आंसर क्या हो जाएगा बी द करेक्ट आंसर ठीक है बहुत जबरदस्त चलिए खुशबू जी कह रहे सर रोज देखती है बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है चलिए मम्मी जी धन्यवाद बहुत बहुत चलो भाई अगला प्रश्न क्या कहता है कहता है अल्प विकसित बच्चे को कौन जन्म देता है हमने बहुत देर से बताया भैया अल्प विकसित बच्चे को जन्म कौन देता है बहुत जबरदस्त तरीके का भैया कंगारू इतना छोटा सा बच्चे को जन्म देगा और उठा के अपने पेट में जो मारसूपियम पैकेट बनी होती है उसी में रख लेगा और वहीं से एक निप्पल निकला होता जिसको टीट्स बोला जाता उसी निप्पल को चूस चूस कर वो बबुआ बड़ा हो जाएगा जब बड़ा हो जाएगा तब तो टक से बाहर निकलेगा कहेगा अम्मा अब हम भी बड़े हो गए हैं हम बाहर जाने दीजिए तब अम्मा उसको अपने पैकेट से निकाल देंगी ठीक है चलो भाई साहब अगला प्रश्न क्या कहता हूँ भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी किसे कहा जाता है हमने आपको बहुत पहले बता दिया पहले दूसरे क्वेश्चन में कि भैया चमगादड़ को क्या बोला जाता है फ्लाइंग फॉक्स बोला जाता है तो बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है फिर से हम आपको बता दें कि चमगादड़ अस्तनी है उड़ जरूर लेता है लेकिन वो चिड़िया नहीं है बल्कि क्या है मैमेलिया है अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आत सबसे छोटी होती है तो ध्यान से समझिएगा इस दुनिया में जो शाकाहारी होते हैं उनकी आत बड़ी होती है मांसाहारी की आत छोटी तो इसमें शाकाहारी गाय है खरगोश है बकरी है मांसाहारी कौन सी है भैया शेर तो शेर की आंत छोटी होगी किसके तुलना में भैया किसकी तुलना में शाकाहारी की तुलना में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था अगला प्रश्न क्या कहता है कहता है कि उस शब्द को ढूंढो जो इस समूह से संबंधित नहीं है थोड़ा रीजनिंग टाइप का सवाल लग रहा है फाइंड द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप हिरण सांप गाय अस्तनी देखो भैया हिरण अस्तनी है सांप क्या है सरिसरिप है या रेप्टिलिया है गाय भी क्या है अस्तनी है या मैमेलिया है हाथी भी क्या है अस्तनी है या मैमेलिया है तो कौन सा अलग है थोड़ा सांप थोड़ा अलग अलग है सांप का नाम लेते तो हम डर जाते कहीं उधर से ऐसे निकल तो नहीं रहे हैं है ना फटारा सांप नाग बाबा निकल रहे होंगे डर जाते ना चलिए अगला प्रश्न है अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कोष के जीव का उदाहरण है तो याद रखिएगा दुनिया में जितना भी प्रोटोजोआ में आते हैं सब यूनिसेलुलर होते हैं तो प्रोटोजोवा संघ के सारे जंतु क्या है भैया एक ही कोशिका से अपनी जिंदगी गुजार देते हैं यूनिसेलुलर है अगला प्रश्न बहुत झन्नाटेदार है भैया कहता अमरी अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है वट टाइप ऑफ आसेक्चुअल रिप्रोडक्शन आकर्ष इन अमीबा बढ़िया क्वेश्चन है सभी लोग बताइएगा अमीबा में आसेक्चुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है भैया हमने आपको बता दिया है बाइनरी फिशन से होता है या दिविकंडन से यह अमीबा है यह दो पार्ट में टूट जाएगा दो अमीबा बन जाएगा इसी को बोलते हैं बाइनरी फिशन बोलते हैं क्या बोलते हैं भैया बाइनरी फिशन या द्विखंडन बोलते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है बाबू ध्यान से समझिएगा पूछा है द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था भैया बताओ मस्त क्वेश्चन है जन्नाटेदार प्रश्न है सभी लोग को हिला दीजिए कि थ्योरी ऑफ रिवल्यूशन इवोल्यूशन किसने दिया था मेरे प्यारे दोस्तों तो आपको क्या बताना है चार्ल्स डार्विन ने दिया था किसने दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था भैया डार्विन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा है ना अब ये ना कह दीजिएगा नहीं सर डार्विन को तो हम जानते ही है हमारे बगल में रहते थे और उनके लड़के के साथ हमारी दोस्ती है ना डार्विन चा बैक टू पवेलियन मतलब भगवान के पास चले गए हैं ठीक है चलो भाई साहब अगला प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में से बिना कोशिका भित्ती वाले तो भैया कोशिका भित्ती कहा पाई जाती है तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति केवल और केवल प्लांट में पाया जाता है कहाँ पाया जाता है प्लांट में पाया जाता है कहाँ नहीं पाया जाता एनिमलिया में एनिमलिया में क्या पाया जाता है सेल में पाया जाता है या कोशिका झिल्ली पाई जाती है क्या पाया जाता है सेल मेंब्रेन पाया जाता है या कोशिका झिल्ली पाई जाती है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया चलो भैया बढ़िया क्वेश्चन है सब लोग जानिएगा तो कोशिका भित्ति या सेलवाल किसमें पाया जाता है सब में पाया जाता है एनिमल में क्या पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों एनिमलिया में कोशिका झिल्ली वाले आते हैं चलो भैया अगला प्रश्न क्या केचुवा को निम्नलिखित में में से किस में रखा गया अर्थवम को किस में रखा गया एनालिडा में रखा गया ये बात हम करा चुके हैं आपको एनालिडा में रखा गया चलो भैया क्लास टाइमिंग बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्लास टाइमिंग इतना बढ़िया रहता है मजा आ जाता है चलिए भाई साहब अगला प्रश्न है श्वसन किसमें होता है आपको बताना है, क्यूटेनियस यहाँ डर्मल नहीं लिखना चाहिए यहां पर लिखना चाहिए था क्यूटेनियस रिस्पायरेशन किसमें होता है तो आपको तुरंत बताना है सर केचुआ में होता है हमने आपको बताया भी है केचुआ में भी होता है मेढक में होता है। तो सभी दोस्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज ने आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है अब जाते जाते एक बार लाइक सब लोग मार दीजिए ताकि एक हजार लाइक हो जाए दिल गार्डन गार्डन हो जाए ठीक है तो जाते जाते एक बार सब लोग लाइक जरूर मारिए जरूर से जरूर सब लोग लाइक करिए और शाम को छः बजे आ जाइए साइंस के ऐसे धमाकेदार प्रश्नों का ये सिलसिला छः बजे से स्टार्ट हो जाता है सात बजे तक निरंतर चलता रहता है सभी लोग एक बार लाइक करके ही जाइएगा ठीक है चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही धन्यवाद क्योंकि कि आपका लाइक हमारी ऊर्जा है आपका लाइक हमारी ऊर्जा है मतलब आप जो लाइक करते वो हमारी एनर्जी है हमको और क्या करता है मोटिवेट करता है पढ़ाने के लिए तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद पीडीएफ आपको भिजवाया जाएगा लव यू ऑल धन्यवाद